मॉर्निंग फ्रेंड्स, अभी हम लोग गोवा में विचरण कर रहे हैं और नाइट होल्ड गोवा के पहले थोड़ा आउटर साउथ गोवा में रुके हुए थे। अब वहां से निकल चुके हैं और ये देखिए डैम है, कोई ब्रिज है, से क्रॉस करके बागा बीच जा रहे हैं, नॉर्थ गोवा जा रहे हैं जो कि 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से। वहां जाके एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे। अभी ये ब्रिज देखिए, थोड़ा सा बड़ा सा ब्रिज लग रहा है कुछ। रास्ते में है हम लोग, 50 किलोमीटर चलेंगे तो बागा बीच आएगा, इसके बाद लंबोर ब्रिज आएगा बीच, वहाँ जाके एक्सप्लोर करेंगे और उधर फिर कहीं देखेंगे कोई सूटेबल लोकेशन कैंपिंग के लिए, तो बीच के साइड में या कहीं गाड़ी लगा के उधर रुकेंगे। एक दो दिन और अभी रुकना है, उसके बाद फिर आगे काम सफर जारी करेंगे। बागा बीच में प्रसाद जी घूम रहे हैं। गोवा बीच एक्चुअली इंडिया का सबसे अच्छा बीच माना जाता है। सबसे पहले गोवा जो थे वो पुर्तगालियों के अंडर में था। ये 16वीं-17वीं शताब्दी के बाद उन्होंने इसका विकास ज़्यादा किया है। वैसे इसके अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो रेलवे से सबसे नज़दीक इसका वास्को डी गामा रेलवे स्टेशन पड़ता है। वैसे तो आने के और भी बहुत साधन है, बाय एयर आ सकते हैं, बाय रोड आ सकते हैं। एक्चुअली मैं बाय रोड गया था। अब देखिए वो यहाँ का जो बागा बीच है बहुत ही फेमस बीच है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ हर तरह के लोग, यंग जनरेशन के और पुराने लोग भी हैं, बच्चे भी हैं, फैमिली मैन हैं, सभी एंजॉय कर रहे हैं। और इसका ये दोपहर के बाद का सीन है। देखिए मैं भी यहाँ आपको दिख रहा हूँ कि कुछ रेत से बनाते हुए दिखाई दे रहा हूँ। एक्चुअली क्या होता है दोस्तों, यहाँ जब आप पहुँचेंगे ना तो आप में थोड़ी बचपन वाली हरकतें आ जाएंगी। यहाँ का उत्साहित जीवन, व्यवस्थित जीवन को देखकर, इतना बिजी लाइफ है, म्यूजिक बहुत चारों तरफ से चल रहा है, गाने बज रहे हैं। एक्चुअली मैं उस साउंड को नहीं डाल सकता क्योंकि कॉपीराइट आने का चांसेस है, इसलिए मैं उसको साइलेंट करके मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शाम का वक्त आते आते यहाँ एकदम रंगरलियाँ, एकदम मेला जैसा लग जाता है और लोगों में उत्साह हो जाता है। देखिए काफ़ी एजेड लोग कैसे फोटोग्राफी कर रहे हैं, कैसे घूम रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। दोस्तों ये है गोवा। गोवा में आप किसी भी मौसम में कभी भी आइए, मज़ा ही मज़ा है। यहाँ एक पहले क्या होता था, पहले फॉरनर्स वगैरह सभी मिंगल होके एक जगह ही रहा करते थे, तो थोड़ा इंडियन सोसाइटी में लोगों को अच्छा नहीं लगा, तो उन लोगों ने क्या किया, इसको सेपरेट कर दिया। अब फॉरनर्स के लिए एक सेपरेट ये बना हुआ है। उनका जो बीच है वो बागा बीच के थोड़ा आगे जब जाएंगे, हमने बोट में गया था तो बोट वाले ने बताया कि ये दिखाया भी उन्होंने कि ये देखिए ये बीच है जहाँ केवल फॉरनर का अलाउड है। अभी आप सूर्य को देख पा रहे होंगे, ये सनसेट का फोटोग्राफी है। मैंने सनसेट लेने की कोशिश की है
एक्चुअली ज़्यादा जूम करने से इस तरह का फिगर आ जाता है, बट आप देख पा रहे होंगे सनसेट का टाइम आ गया है और लोग और बड़े ध्यान से अपना फोटोग्राफी सेल्फी ये सब ले रहे हैं। तो ये है गोवा। गोवा में कभी अगर लाइफ में टाइम मिले तो आइए, एंजॉय कीजिए, मज़ा लीजिए। अरे लाइफ में और है क्या, बस दुनिया देखिए फिरिए। मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ एंजॉय कीजिए। ये है मेरे दोस्तों, मैंने गोवा को अच्छी तरह से एक्सप्लोर किया, बागा बीच को। अब और भी बीचेस हैं, और भी जगह हैं, हो सकता है थोड़ी देर के बाद हम लोग जब यहाँ से निकलेंगे तो यहाँ एक फोर्ट भी है, वो फोर्ट भी जाने का प्लान है और वहाँ जा करके फिर मैं आपको फोर्ट के बारे में बताऊँगा। ये देखिए जब भी मैं जूम करता हूँ तो फोटो थोड़ा सा फेड आ जा रहा है, मैं पूरा अच्छी तरह से दिखा नहीं पा रहा हूँ, बट आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि सूरज किस तरह से, ये देखिए एक स्काई डाइविंग क्या जो बोलते हैं वो एक हो रहा है आपके सामने में। अभी तक इवनिंग तक वो चल रहा है, इवन यहाँ का जो प्रोग्राम है म्यूजिक और गाने और डांस रात भर चलता है मेरे फ्रेंड्स, रातों भर चलता रहता है यहाँ। यही है देखिए रॉक्स, यहाँ पर बताते हैं कोई एक पिक्चर हुई थी जिसमें वो जॉन इब्राहम वगैरह की टीम, फोर्स का कोई सीरीज है, कौन सा पार्ट है आई डोंट नो, बट यहीं हुई है शूटिंग, पूरा इसी रॉक के पास होता है, वहीं वो लोग आते हैं और यहाँ अपना फिल्म का शूटिंग करके फिर वापस चले जाते हैं। ये देखिए वो जो साइड में आपको दिखाई दे रहा है मेरे फ्रेंड्स, वो सभी दुकानें हैं, आप शॉपिंग कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि ऐसे जगहों में शॉपिंग करने से बचिए, क्योंकि यहाँ दो गुना तीन गुना दाम वो लोग ले लेते हैं और आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। फिर भी अपना अपना व्यू है, जहाँ जिसकी मर्जी है अपना शॉपिंग कर सकते हैं। नहीं गोवा में शॉप मतलब कहीं भी आप शॉपिंग कर सकते हैं, लेकिन गोवा में स्पेशली क्या होता है, वहाँ ड्रेस जो मिलता है ना गोवा वाली, वो ड्रेस पहन के गोवा में ही घूम सकते हैं। हाँ गोवा में घूमिए आराम से, पूरा फुल फैमिली, इसीलिए पूरा वो हवादार होता है, वेंटिलेटेड होता है, ये यही कहना चाह रही है, एकदम पतले कपड़े से बना होता है। और आजकल का लेटेस्ट है भाई, जिसको जो पसंद है एंजॉय करने का अपना अपना तरीका है, तो लोग बहुत ऐसा कर रहे हैं। और गोवा में कभी आप आएंगे तो ऐसा नहीं लगेगा कि यार क्यों आ गए, ऐसा इस तरह का बात नहीं है, गोवा आप जरूर आइए। पूरे इंडियंस और वीवन फॉरनर्स का एक माइंड में एक बना हुआ है कि इस तरह से लॉन्गिट्यूड एटीट्यूड गोवा का है कि वहाँ जाके अगर विटामिन डी लिया जाए, सन बाथ लिया जाए तो स्किन को बहुत हेल्प मिलता है। तो ये सारी जानकारी तो आपको गूगल में मिल जाएगी। ये देखिए हमारा जो बन रहा है घर, इसको मैंने शॉर्ट में भी आप डाला है, आप रिम झिम सितारों का आंगन होगा करके गाना डाला है और इसमें आप पूरी तरह से देख रहे हैं। ये मैंने जस्ट एक ऐसे ही बचपना याद आ गया, मैं बचपन में इस तरह की ये बनाया करता था नदी के किनारे। मैं और सुचित बागा बीच में इतना नीचे मैंने कर दिया इसमें, इधर हल्का हल्का सर्किट हाउस आ गया है, आपको यहाँ लिखा भी मिलेगा बागा बीच। ये लाइफ है दोस्तों, यही जिंदगी है, चले भाई कीजिए, ऐश कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, बस यही मेरी जो है ही खूबसूरत इंजॉय करने गोवा का, भूलिए अपने लाइक से, बस मेरा ख्याल रखिए, जो मौका मिला आने की कोशिश किसी भी तरीके से सब्सक्राइब का बटन हिट जरूर कीजिएगा और उसके बगल में घंटी आएगी उसको भी बजा ही दीजिएगा, सो दैट आने वाले वीडियो आपके पास सबसे पहले कट जाएगा। चलिए दोस्तों अब आगे की चीज़ें, आगे है नॉर्थ गोवा का बागा बीच जो कि सबसे ज़्यादा फेमस है, फॉरनर भरे हुए हैं, जो हम लोगों ने देखा था चार पाँच दिन आगे निकल गए, जो फॉरनर के बारे में बताते हैं ना लोग की तरह रहते ऐसे कुछ, उनके लिए एक सीक्रेट बना दिया गया, उनको फेंसिंग कर दिया गया। ये समुंदर है लोग सागर की झाँक देख सकते हैं, दोनों बस दोस्तों लाइफ का जिंदगी का मजा उठा रहे हैं। चलिए फिर अगला बीच में दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों सूची बोट के पास गई हुई है, उसको बोटिंग का बहुत मज़ा आता है किसी बोट में, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये वीडियो हमारा बहुत लंबा हो गया, तो ऐसा करते हैं इसको मैं यहीं थोड़ा देर के लिए रोकता हूँ, फिर हम तुरंत
दूसरे वीडियो में मिलते हैं। अभी और भी बहुत बीचेज़ हैं, बहुत जगह हैं, उसके बाद वहाँ मिलते हैं। बोलो क्या बोलना। ओके बाय बाय। कभी भी आप लोग आए सबसे पहले इसी बीच पे आइएगा, अच्छा है, मस्त है। और पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, इसको यहीं विराम देते हैं, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलता हूँ।